आ मुसलमानों के मीरी करदान दर शहनशाही फकीरी करदान। इकबाल कहता है ये तो मुसलमान थे जिन्होंने बादशाही में फकीरी की, फकीरी में बादशाही की। नवी नवी फौरसा बढ़ाने नाल जराइम कम नहीं होते, डालफन दे डुलफन दे जनाब खोते दे घोड़े बढ़ाने नाल ऐसे नहीं होते। हाँ जराइम तब कम होते हैं जो हुक्मरान मुजरिम ना हो। हाँ फारूक आजम के जमाने में जब ईरान फतह हुआ तो हजरत साद इब्ने अबी वकास ने माले गनीमत भेजा, आपने साथ खत लिखा सुनो मुसलमानों ये इस्लाम है, टीवियों पर बैठकर यहूद नसारा के पैसे खाकर उस बंदे को क्या पता इस्लाम क्या है। इस्लाम के खिलाफ भौंकते हो पहले इस्लाम पढ़ो। ये मेरा ख्याल है मसला ऐसे होना चाहिए, तुम्हारा क्या ख्याल है मसला ऐसे होना चाहिए। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा बस, यह जी नामू से रिसालत का मसला। नहीं समझ आता तो फिर समझो वरना मेरी मुझे बुलाओ। इमाम ने लिखा ईसाइयों ने कहा हमने, मुगलों ने कहा हमने ईसाई होना है, बड़े बड़े ईसाई आ गए, पोप आ गए, पादरी आ गए, स्टेज लग गया, फजाल वाहिदुम मिनहुम यंतक सुन नबी। ये नामू से रिसालत का मसला अगर मगर से काम नहीं होता। वहां एक बंदे ने खड़े होकर हुजूर के खिलाफ बात कर दी इस गुमान से कि आज यहाँ ना मुमताज कादरी है, ना तनवीर कादरी है, ना पीर मेर अली शाह है, ना इमाम अहमद रजा है, ना इमाम रब्बानी है, ना दाता अली अजमेरी है, ना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, ना बाबा फरीद है, ना इमाम आजम है, ना ख्वाजा अबुल हसन खरकानी है, ना बायजीद बुस्तामी है, ना यारवी वाले पीरन। आज कल करो हुजूर के खिलाफ। लेकिन इमाम कहते हैं वह होना का कल्ब सैद उन मरबूत। एक शिकारी कुत्ता बांधा हुआ था, जब उसने हुजूर के खिलाफ बात की शिकारी कुत्ता सोने के जंजीर से बांधा हुआ था। लोग चाय की प्याली पर इधर उधर हो जाते हैं, वाह कुत्ता वाह। वो भी सोने की जंजीर से बांधा हुआ था भी वो मंगोलों का। उसने ये नहीं देखा ये जंजीर पत्नी दोबारा मिलेगी कि नहीं। लेकिन उस कुत्ते आए तेनू लखा सलाम अमन, दस कितने कुत्ते दुनिया से आए, या साबे काफ का ना रहा या तेरा ना रहा। उसने सोने की जंजीर गले से तोड़ दी, ये नहीं देखा मुगलों का सोना है। उसने कहा रखो ये सोना कोल, मैं गल विच और करन लगा। मैं जी कहना ना गल विच हो रहे, वो गल विच ए वे। उनका सोना अपने पास रखो, मैं बात और करने लगा हूं। सोना तोड़ा और उधर फेंक कर छलांग लगा कर चढ़ गया। वो जो हुजूर के खिलाफ बात कर रहा था फखशमहू, उसको थप्पड़ मारा। उसको पहले चाहिए था कि मंगोलों की अदालतों में जाता ना, ना पहले मुगलों की अदालतों में जाता कि जी हमारे नबी के खिलाफ बात हो गई, आप क्या कहते हैं। मैंने कहा कुत्ते को भी पता था ये दुनिया का जुदा गाना मसला है, नामू से रिसालत का मसला बिल्कुल जुदा गाना है। अगर किसी को तकलीफ है तो 5 मिनट में हम दूर करने के लिए तैयार है। वाह भाई वाह, मंगोलियों दे कुत्तिया, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तैनू मसला समझ आया, पाकिस्तान के टीवियां बैठे हुए एंकरां नू समझ ना आया, जजों नू भी नहीं आया। हंसने वाली बातें नहीं है ये, रोने वाली बातें। जिस तरह शाहजी ने फरमाया ना हम हंसने के काबिल नहीं है।